शट डाउन करो, अब उड़ेगी पतंगनी बाबे। हमारे पसीने पसीने हो जाते हैं, उसको दूसरा बंदा कैसे पकड़ेगा? तुम किसी दूसरे बंदे के पसीने में कर लोगे क्या एक्सरसाइज? तो इसलिए भाई ये क्रिस्पी पनीर मोमोज थे, ये तंदूरी पनीर मोमोज थे, और ये मलाई चाट थी, और बादशाह मोमोज से खाए थे अपने नारायणा में ये। आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, और मेरे भतीजे ने मेरे से एक बात पूछी थी कि चाचू आप यहाँ पे खड़े होकर क्यों वीडियो बनाते हो? बेटा मैं यहाँ पे खड़े होकर इसलिए वीडियो बनाता हूँ क्योंकि उस साइड से लाइट आ रही है, तो लाइटिंग अच्छी हो जाती है, इसलिए यहाँ पे खड़े होकर वीडियो बनानी पड़ती है। और अभी मैं गली के नीचे से आ रहा था, मतलब गली के नीचे इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज हमारी गली ऐसे है थोड़ी चढ़ाई पे, तो गली के बाहर को हम बोलते हैं गली के नीचे। तो मैं गली के नीचे से आ रहा था, और पीछे से कोई स्कूटी पर जा रहा था एक आंटी को लेके, वो निकल गया। आंटी दिखी मेरे को, जब मैंने पीछे मुड़ के देखा उसने आवाज़ मारी थी, अरे रूड बॉय है क्या? तो तेरा भाई भी चौड़ के यहाँ से कानों में मिश्री सी घुल गई मेरे, तो जैसे सुना था अरे रूड बॉय है क्या। तो फिर पीछे मैं मुड़ के देखा तो स्कूटी पर तो वो निकल गया। आंटी जी दिखी, कोई अपना ही भाई होगा, बता दियो फ़ोन कर दियो ये, ठीक है। और आज अभी मैं जाने वाला हूँ, अभी तो ऑफिस टाइम चल रहा है, थोड़ा सा काम रह रहा है, वर्क फ्रॉम होम है मेरा, इसलिए घर पर से ही होता है, तो थोड़ा सा काम रह रहा है और फिर ख़त्म होने वाला। ऑफिस टाइम ख़त्म होते यार तेरा भाई उड़ाएगा पतंग, मान जा भी मंगवा लिया पतंग, ले आया था मैं, अभी दोबारा जाऊंगा पतंग लेने, क्योंकि ना जो मेरा फ्रेंड गया था मेरे साथ उसको सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, उसको और बड़ी पतंग चाहिए। मतलब हम काफ़ी बड़े साइज़ की पतंग लाए थे इस बार, पर फिर भी उसको और ज़्यादा बड़े साइज़ की पतंग चाहिए। पैसे खर्च करवा रहा है यार बेफालतू के, पर क्या है, पतंग उड़ानी बहुत पसंद है तो फूंक देंगे पैसे थोड़े से और। तो अभी जब मैं छत पर जाऊँगा तो मज़ा ऊँचा करे कोई तंग नहीं, सेलिब्रेशन यार दा करे कोई भंग नहीं, शट डाउन करो अब उड़ेगी पतंग नहीं बाबे। बहुत मांझे से जा रही है, पतंगे उड़ तो रही है बट कम है। फंगस वाला मांझा निकल जाएगी इसकी तो फंगस। और ये है, और मेरे पास और भी है वहाँ पे मांझा उसमें बैग में। बहुत ज़्यादा ना अजीब फील होता है जैसे शूट करते हुए, कुछ भी करो शूट करो, शूट करना है क्योंकि शूट करना पड़ेगा क्योंकि व्लॉग डालना, नीचे फ़ोन ना गिर जाए मेरा, देख रहा हूँ कितने नीचे है, मेरे को डर लग रहा है, डर लगता है यहाँ से देखने में, बहुत ज़्यादा नीचे है। और कुछ भी करो, एक तो यार ये बाल ना कटवाने का मन है नहीं मेरा, कटवा कटू लूँगा फिर मेरे को बुरा लगेगा क्योंकि इतनी मेहनत से बढ़ते हैं। हल्की है पतंग, टकटा जाएगी। हटगी यार ये तो। कटगी मैच।
पे तिरछी है, वहां पे घुस नहीं रही पतंग, खींच नहीं लग पाएगी। मेरी कट गई। हाथ कट गया, हाथ कट गया और दो पतंगे कट गई। हाथ कट गया एक तो मेरा, और दो पतंग उड़ाई थी, आप दोनों कट गई, एक भी पतंग नहीं काटी। बेइज्जती होगी बच्चों से। वहाँ पे दिख नहीं रहा कैमरे में, बहुत सही हो रहा है व्यू ना, यहाँ से अच्छा फोकस है। दोबारा जाऊँगा चावड़ी बाजार। यार पीछे देख रहे हो व्यू, वो रेड रेड दिख रहा है ना, जो व्यू बाहर दिख रहा है विंडो से ऑरेंजिश हो रहा है ना, वो पूरा वो है व्यू है वो, उसकी लाइट आ रही है सनसेट की है वो लाइट, कितना प्यारा लग रहा है ना। पर अभी तो अभी फिर जाऊंगा चावड़ी बाजार, क्योंकि दोस्त को बड़ी पतंगे लानी है, और जो मैं मांझा लाया था तो वो मेरे को बढ़िया नहीं लगा, पतंगे भी हल्की थी, वो पतंगे भी हल्की थी इसलिए कट गई। मतलब मैं एक और मांझा, एक मांझा लेके आऊँगा और थोड़ी सी पतंग लाऊँगा पन्नी वाली बच्चों बच्चों के लिए। और अभी जिम के लिए निकल रहा हूँ, सोच रहा हूँ चला जाऊँ जिम। पहले यार मैं बहुत, मेरे को इतना शौक है ना जिम का, है नहीं था, पता नहीं क्या हो गया, मेरा जिम करने का मन ही नहीं करता, मैं जिम ही नहीं जाता, एक दिन चला जाता हूँ फिर पूरे एक हफ्ते की छुट्टी, पता नहीं क्या हो रहा है। अब देखता हूँ दोबारा, अभी जिम जा रहा हूँ आज, बहुत काफ़ी दिनों बाद। राइनो गेंडा और गेंडा चलो फिर भाई अब निकल रहा हूँ। भाई एक चीज़ है बहुत ज़रूरी यार, तुम जिम जाते हो ना तो भाई अपना टॉवल लेके जाया करो, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है और गर्मी की वजह से ना पसीने आते हैं, तो जो बेंच होता है दूसरा, बेंच वगैरह सब भाई तुम्हारे पसीने पसीने हो जाते हैं, उस पर दूसरा बंदा कैसे करेगा, तुम किसी दूसरे बंदे के पसीने में कर लोगे क्या एक्सरसाइज? तो इसलिए भाई अपना टॉवल लेके आया करो और शूज़ पहन के आया करो ज़रूर यार जिम में, चप्पल में, पहले मैं भी करता था चप्पल वगैरह में, मेरे को मज़ा भी आता था उस टाइम पे, मेरी बॉडी भी अच्छी थी, लेकिन अभी मैं चप्पल वगैरह में नहीं करता, शू वगैरह पहन के आया करो भाई, क्योंकि प्लेट गिर गई ना किसी दिन पैर पे तो दिक्कत हो जाएगी, चोट लग सकती है और ज़्यादा चोट लग सकती है। जिम के बाद मैं प्रोटीन डाइट ले रहा था, ये रहा टोयोटा बेटर में आदमी, ये क्रिस्पी पनीर मोमोज थे, ये तंदूरी पनीर मोमोज थे, और ये मलाई चाप थी, और बादशाह मोमोज से खाए थे अपने नारायणा में। ये लेफ्ट साइड एंड अनदर लेफ्ट साइड बिकॉज दे हैव नो राइट्स। अब आजकल लोग कर रहा हूँ ख़त्म यहीं, ज़्यादा बकवास ना कर रहा मैं इसमें, ठीक है, क्योंकि अभी वीडियो एडिट भी करनी है, बहुत टाइम लगेगा। चलो स्टोरेज फुल हो गई क्या, क्या बोल रहा है, बाय बाय, जय श्री राम।